गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि हमारा नाश्ता जो था, आज वीडियो हमने थोड़ी लेट चालू किया और देखो क्या हो रहा है। मैं इस कमरे से आवाजें आ रही थी तो मैं कैमरा लेके पहुंच गई। देखो पापा कितने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। चलो और ये बंदा उनको डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि इसको पनीर लेने जाना है। इतना देर बैठा रहे एको जरे नाई के ओको सगा, चलो पनीर ले आई। I'm sick and tired now. I don't know what to do. इन आते हम कब से देखो गाइस, लड़ाई हो रही है लड़ाई। और पापा जब कुछ करने बैठते हैं ना तभी सब लोग डिस्टर्ब करते हैं। वहां बाहर जैसे बैठे तैसे उनके पुदीना गाड़ो। मैं इतनी देर से भी नहीं पुदीना गाड़े को लेना। देखो ऐसे, और ये अकेले नहीं पनीर ला सकते हैं। दुकान नहीं पता, गूगल से तुम दुनिया घूम लेते हो, पनीर नहीं ला सकते। पनीर भी लाना है और भी तो कुछ लाना है। और ये देखो आज का हमारा नेक्स्ट एकदम हेल्दी फूड, एकदम फ्रेश पालक। आज बनेगा आलू पालक और पनीर की सब्जी। और मम्मी मतलब बिल्कुल भी अपने में आलू वालू नहीं डालेंगी, तो अब एकदम सादा अपना छौंक लिया है। देखो अब हम इसको छोकेंगे, तब तक ये लोग पनीर भी लाएंगे। हमने ना पुदीना लाया था तो उसमें से ये लगाने के लिए इसको पानी में डाल दिया ताकि जड़ आ जाए। अब देखेंगे वो जड़ आएगा कि नहीं। तो चलो अब बनाते हैं सब्जी। अब हम लोग आलू पालक बना रहे थे ना, तो ये आलू मैंने पहले फ्राई कर लिया। जब ये हल्का गोल्डन होगा ना तब मैं साग डालूंगी, और इसमें लहसुन मिर्ची जीरा हींग इससे मैं तड़का लगा रही हूँ। हमारे अजय देवगन नीचे जा रहे हैं, काला चश्मा उतर गया, काला चश्मा उतर गया है। और अब ये भी जा रहे, स्कूटी से जाओगे कि कार से? पैदल तो तुम चलने लायक हो ही। तो ये लोग जाएंगे स्कूटी विस्कूटी से, और मैं तब तक संतरे खा रही हूँ और साथ में मेरी सब्जी इधर हो रही है। ये देखो जो मैं एक बार बहुत पहले बोला था ना, इनके घर पे शादी है, तो ये देखो इनका शादी है। और ये ना मंडप है जिधर खाना रेडी होगा। और मेरी मम्मी अभी इनके संगीत में जाने वाली है थोड़े देर बाद। और ये लोग जा रहे हैं सामान वामान लाने। सब बोला ना मम्मी अभी जाएगी तो ये साड़ी पहनेगी मम्मी, येलो वाली बहुत प्यारी है। और सेम ऐसी साड़ी ना, एग्जैक्ट यही कलर यही पैटर्न एवरीथिंग मेरे पास भी है। तो मैंने मम्मी को बोला किसी दिन हम दोनों ना साथ में मैचिंग मैचिंग पहनेंगे, तो ये साड़ी मम्मी पहन के जाएगी। मेरा साग बन गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, रुको मैं उठा देती हूँ। ये देखो साग बन गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना मेरी ये कढ़ाई चेंज हो गई है, ये अब एल्यूमिनियम की नहीं लोहे वाली है। ये देखो साग ना जल गया, मतलब पकड़ लिया था। मैं मम्मी को साड़ी वगैरह में हेल्प करने लगी तो फिर ये और कुछ तो और करने लगी थी, तो फिर ये ना पकड़ लिया। फिर मैंने इसको उसमें ट्रांसफ़र किया और इसको डाल दिया धोने को, ऐसा हो गया। और ये अभी 10 मिनट में मेरा राइस भी हो जाएगा। और अभी मुझे हल्की सी भूख लगी थी तो मैं जा रही हूँ ब्रेड जैम, और मैंने दूध गर्म कर लिया है, गर्म करके रख दिया है दूध, और एक गिलास दूध और मैं ये ब्रेड खाऊँगी। तो ये देखो ये है मेरा जैम। एक्चुअली जब मुझे थोड़ी सी भूख लगी होती है ना तो मुझे ब्रेड जैम सबसे सही लगता है, वो मुझे पसंद भी है। पाइनएप्पल फ्लेवर का भी जैम सही होता है। मैं घर में अकेली हूँ, मम्मी चली गई, जो मैंने आपको बताया था ना संगीत में, तो मम्मी संगीत में चली गई, पापा और ये सामान लेने चले गए, तो मैं घर में अकेली हूँ। मेरा चावल भी हो जाएगा, फिर जब ये लोग पनीर लेके आएंगे तब मैं पनीर बनाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। ये देखो अभी ये भाई साहब आए हैं सामान वामान खरीद के, और अब हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर। हमने ऑनियन को स्क्वायर में और कुछ को बारीक एकदम काट लिया है। हम लोग शिमला मिर्च भी ऐसा स्क्वायर में काट लेंगे। पनीर मैंने हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया है, और अब इस तेल में मैं तड़का लगाऊंगी जीरा और जो भी खड़े मसाले हैं उनका, तेज पत्ता वगैरह का, और फिर कांदा और टमाटर की प्यूरी डाल के हम बनाएंगे। ये देखो हमने जो बनाया था ना खड़े मसाले, दालचीनी जीरा तेज पत्ता सूखी लाल मिर्ची,
अब इसमें हमने थोड़ा सा कांदा डाल दिया है और इसको ब्राउन करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये डाल रहे हैं हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं ना इसमें से हल्का पानी भी डाल दूंगी ताकि साँचा एकदम अच्छे से साफ हो जाए। अब इसको भी भून लेंगे अच्छे से 2-4 मिनट। अदरक का पेस्ट भून गया तो अब डालेंगे टमाटर। टमाटर का जो पेस्ट बनाया था इसमें मैंने एक तेज पत्ता भी पीस के ले लिया था और एक सूखी मिर्ची। देखो जब तक हमारा ये टमाटर पकेगा प्यूरी उसमें, तब तक हम साइड में ऑनियन और जो हमने शिमला मिर्च काटी थी कांदा और उसको अच्छे से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा सौते कर लेंगे थोड़ा सा तेल डाल के इसमें। ये देखो ये जो हमने सौते करना था वो करके निकाल दिया है और इसमें हमने डाल दिया अपना नॉर्मल जो पनीर मसाला है वो, और थोड़ा सा गरम मसाला घर का बना हुआ बस। अगर आप और हल्दी अगर आपको डालना है तो आप लाल मिर्ची पाउडर भी और डाल सकते हो। हमारे घर में ज़्यादा तीखा नहीं खाते इसलिए हमने नहीं डाला है। बस अब हम इसे ढक के 3 से 5 मिनट तक पका लेंगे और फिर देखते हैं। अब हमने जो भी कांदा पनीर सब डाल दिया और अब इसमें मैंने बहुत हल्का सा पानी डाला है, 1 चम्मच इतना, 1-2 चम्मच। और अब इसको ढक के रख देंगे स्टीम से, सब कुछ हो जाएगा, बस चला के बंद कर देंगे। शादी का घर हम बोल रहे थे ना, देखो कितना सुंदर सजाया है। और ये यहाँ पे जो उनका खाना बन रहा है, आज अभी हम लोग जा रहे हैं रात के खाने की तैयारी करने। एक्चुअली जैसे मैंने बोला ना कि किसी को अभी भूख नहीं है, मम्मी भी कुछ देर पहले आई हैं बगल में जहाँ संगीत था, तो भाजी हमने पनीर बनाई थी, कढ़ाई पनीर वो रखी हुई है, साग रखा हुआ है काफ़ी, तो हमने सोचा एकदम हल्का फुल्का आज डिनर करते हैं। तो इसके लिए हमने चढ़ा दी है दाल और दाल के साथ अब हम बनाएंगे रोटी। तो ये देखो 2 टाइप की, ये है मल्टीग्रेन, मतलब ये मम्मी के लिए बनती है, और ये नॉर्मल अपनी गेहूं की। तो हम 2 टाइप की रोटी बनाते हैं। अब मम्मी की बना देंगे फिर मम्मी जल्दी खा लेंगी, 8-8 बजे मम्मी खा लेती हैं, 7:30-8। तो बस अब वही हम रोटी बना के फिर मम्मी को दे देंगे। और आज सब देख रहे बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, बीजेपी का ये वो, और यहाँ बन रहा खाना। खाना तो रेडी हो गया, बस रोटी गर्मा गर्म और सब डन, ऑलरेडी सब्जी वगैरह काफ़ी रखी हुई है। तो अब मम्मी ने खाना वाना खा लिया और अब आप देख सकते हैं ये फिर से वापस काम पर लग चुकी हैं, क्योंकि अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ तो हमारे है नहीं, बताइए आपने कि क्या क्या खाना बना था, जो बनाई हुआ था हमारा, हम सब यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत कुछ बच गया था, सब दाल हमने बना ली थी एक्स्ट्रा, और अब बस हम रोटी बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और जब शाम से तो हमारे घर में टीवी चल रहा है क्योंकि आप जानते हैं आज राज्यसभा का इलेक्शन रिजल्ट आ रहा है, तो उसके लिए शाम से टीवी चल रहा है। और अभी हम अपना रोटी वोटी बनाएंगे खाएंगे। आज तो वैसे पूरे दिन हमने कुछ खास किया नहीं था, आपने देखा ही होगा कि बस खाना और घर में बैठी थे, ऐसे कहीं कुछ गए भी नहीं और कुछ काम भी नहीं था, तो ऐसे कुछ किया भी नहीं। बगल के घर में संगीत था उधर भी नहीं गए ये लोग, तो महिला संगीत में महिलाएं जाती हैं, तुम लोग को भी जाना चाहिए। हम महिलाएं हम आपके तो, कौन नहीं देखा। तो फिर मम्मी गई थी महिला संगीत में, मम्मी आई उसके बाद, फिर अभी हम लोग बस बैठे हुए हैं, तो हम खाना वाना खाएंगे और फिर जानते हैं आप हमारा फेवरेट लास्ट टाइम तारक मेहता और शिव शक्ति देखेंगे। आज हम लोग को लेट हो गया खाना बनाने में, 9 बज रहे हैं, हम पहले ही खा, पता नहीं आप टाइम देख सकते होंगे पीछे, 9:08:50 हो चुके हैं, अब तक हम लोग का खाना बन जाता है और हम खाने वाले होते हैं, लेकिन हाँ अभी आज न्यूज़ थोड़ा सा आज वो टीवी और न्यूज़ के चक्कर में डिले हो गया, तो बस अब हम बनाएंगे और खाना वाना खाएंगे। भैया देखिए रोटी एकदम गोल गोल बिलने के लिए तैयार है, आप देख सकते हैं ऐसे की खातों में आपको। तो बस अब हम लोग अपना रोटी बनाते हैं और खाते हैं। तो ये देखो हमारा खाना, और साथ में आज हमने ये अपनी डिश भी रखी है दही चूरा, और अब हम लोग खाने को बैठ गए।